और इस बीच दुर्ग से एक बड़ी खबर, कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन आज हुआ दुर्ग में और सम्मेलन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संबोधित भी किया। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी संबोधित करती नजर आई। चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए गए हैं। बताया गया है दोनों ही बड़े नेताओं की तरफ से विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जुट जाने का आह्वान किया गया है। दुर्ग संभाग में 20 सीटें जीतने के लक्ष्य को लेकर कांग्रेस मैदान में उतरेगी। कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, ये तस्वीरें जो कि प्रत्यक्ष करती है कि अब कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर काम करने के लिए भेजा जा रहा है। तमाम बड़े नेता यहां पर पहुंचे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कुमारी शैलजा यही मंत्र के साथ यहां पर पहुंचे थे कि कार्यकर्ताओं को अब काम में जुट जाना चाहिए, आचार संहिता लगने में कुछ ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। और विधानसभा के साथ साथ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के बीच पहुंचे, यही संदेश दिया गया। कितनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद रहे ये भी आप देखिए। 20 सीटें जीतने का लक्ष्य इस बार निर्धारित किया गया है कांग्रेस की तरफ से दुर्ग में। दुर्ग संभाग में कार्यकर्ताओं को यही निर्देश कि जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचे। सही कि मिथिलेश का हम रुख कर लेते हैं। मिथिलेश, दुर्ग में संभागीय सम्मेलन और इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं, निश्चित ही एक ठोस रणनीति के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी। दुर्ग संभाग की जो 20 सीटें थी उसका लक्ष्य यही रखा गया है कि 20 की 20 वो जीतें। पिछले बार कांग्रेस के खाते में 18 सीटें आई थी, लेकिन अब जो लक्ष्य रखा गया है कि वो 20 सीटों का रखा गया है। तो एक तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज यहाँ पहुंचे हुए थे और सीधा सीधा उन्होंने ये आमंत्रण दिया है, कार्यकर्ताओं को आमंत्रण दिया है कि लोकसभा और विधानसभा में भी पहुंच जाए। मतलब आज उन्होंने पूरी तरह से जो है चुनावी बिगुल फूंक दिया है और कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से चार्ज कर दिया है। किस तरह से उनको रणनीति बनाना है, किस तरह से उनको लोगों के बीच में जाना है, सरकार की, राज्य सरकार की किस तरह की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की किस तरह की विफलता है, सोशल मीडिया का कैसे उपयोग करना है, ऐसी तमाम चीजें हैं जो यहाँ पे कार्यकर्ताओं को बताई गई। तो कुल मिलाकर ये है कि आज से ये देखा जा रहा है कि लोकसभा में जो ये संभागीय स्तर की जो बैठक थी आज से जो है वो जिस तरह से गर्मी बढ़ी है उसी तरह से राजनीतिक गर्मी बढ़ती जाएगी, क्योंकि कांग्रेस जो है वो आज एकदम सीधे उतर गई है, मैदान में उतर गई है। और अब आने वाले समय में जैसे बीजेपी के भी कई वरिष्ठ नेता कर आने वाले, तो निसंदेह जो है इस तरह की जो है अब राजनीतिक जो गर्मी है वो बढ़ती जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश इस पूरी जानकारी के लिए।